परिक्रमा में भक्तों का जन सैलाब देखने को मिला। ब्रज क्षेत्र के प्रमुख तीर्थ स्थल गोवर्धन धाम में इस समय अधिक मास का मेला चल रहा है, जिसमें देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब सप्तकोसीय परिक्रमा मार्ग में उमड़ रहा है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु गिरिराज जी की परिक्रमा करने आ रहे हैं। वहीं परिक्रमा मार्ग में जगह जगह भक्तों के लिए जलपान, भंडारा, भजन कीर्तन आदि की व्यवस्थाएं देखी जा सकती हैं। भारतीय कला संस्था डीक के निदेशक विष्णु दत्त शर्मा एवं अशोक शर्मा के निर्देशन में अंध विद्यालय के छात्रों द्वारा श्रद्धालुओं के आनंद के लिए मंच लगाकर भजन कीर्तन सुनाए जा रहे हैं, जिन पर महिला और पुरुष श्रद्धालु जमकर थिरकते हुए नजर आए। कला संस्था के निदेशक विष्णु दत्त शर्मा ने बताया, अधिक मास के पावन पर्व पर भक्तों का सैलाब सप्तकोसीय परिक्रमा में उमड़ रहा है। ऐसे में उनके आनंद में वृद्धि करने के लिए अंधा आश्रम के इन कलाकारों द्वारा प्रतिदिन भजनों के माध्यम से श्रद्धालुओं का मनोरंजन कराया जा रहा है, जिसमें पुण्य लाभ के साथ साथ भक्त परिक्रमा की थकान को भी यहां भजन कीर्तन और नृत्य के साथ मिटाते हुए नजर आते हैं। भारतीय कला संस्था डीक की पहल के लिए श्रद्धालु उनको शुभकामनाएं भी देकर जाते हैं। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24। क्या नाम है सर? विष्णुदत्त शर्मा। क्या काम करते हैं? ब्रज संस्कृति का प्रचार प्रसार। अच्छा, आज जो परिक्रमा में आप यहाँ पे भजन कीर्तन का ये कार्यक्रम हो रहा है, तो ये क्या कार्यक्रम हो रहा है और किस उपलक्ष्य में आपने रखा है, बताएं इसके बारे में। जितने गिरिराज जी के लोग भक्तगण गिरिराज परिक्रमा करने के लिए आए जी, हमारा उद्देश्य वो राधे राधे गाए, लेकिन राधे राधे की महिमा को समझे, और वृंदावन और ब्रज ये अपार है। इसलिए हमारा भारतीय कला संस्थान का उद्देश्य केवल ये कि हमारी ब्रज की संस्कृति, ब्रज की धरोहर, कला संस्कृति और परंपरा तीनों का प्रचार प्रसार इस माध्यम से होता रहे, और इनकी यहाँ की जो छवि है, ब्रज की जो छवि है, वो देश नहीं विदेश अंतर्राष्ट्रीय तो जब जाए, लेकिन पहले वो हमारे हृदय में समाहित हो तो उसके महत्व को जाने। इसीलिए कहते हैं चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर ले। जैसा कि आपको पता है, कोरोना काल में जहाँ एक ओर सरकार सारे चीजों पर प्रतिबंध लगा रही है और उसके बावजूद गिरिराज महाराज की परिक्रमा अधिक मास में लगातार चालू है, तो लोग